हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बातला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करें, आपको जरा भी पॉजिटिविटी फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस गाइडेंस मिल सके। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। चलिए अब इस रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो इस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या कुछ हैं। सो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। टू ऑफ वैंड्स, द फूल, ओके, सॉरी वन सेकेंड गाइज, एट ऑफ वैंड। चलिए लेट अस टेक दिस। नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटाकल्स, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, पता नहीं। चलो प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। सिक्स ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नेक्स्ट इज फोर ऑफ कप्स और बॉटम में यहाँ पर हैंगमैन, ठीक है। चलिए सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके जोरिक साइन एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मेजर एनर्जीज यहाँ पर देखे तो फूल है, हैंग्ड मैन है, ओके, नाइन ऑफ कप है, टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर इज लाइक मतलब बहुत थॉटफुल है वो आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। फूल की एनर्जी है, उनको एक और नई शुरुआत चाहिए इस रिलेशनशिप में। गेटिंग मी, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को नहीं दिख रहे हैं आपके एफर्ट्स या उन्हें नहीं पता है कि आपने कितना कुछ करा है उनके लिए, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या प्रॉब्लम थी ना, अभी तक आपके पार्टनर आपको लेकर बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं थे। जो कुछ भी आपने उनके लिए करा ना, अनकंडीशनल लव दिया, उन्हें हमेशा पहले रखा, इतनी केयर करी, उन चीजों के बारे में आपके पार्टनर बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं थे अभी तक, ठीक है। एक ग्रेटफुलनेस नहीं थी, थैंकफुल नहीं थी कि आप उनकी लाइफ में आए, आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो। लेकिन अब मैं उनके अंदर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर बहुत थॉटफुल, बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं वो आपके लिए कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन सके, कि आप उनकी लाइफ का एक पार्ट थे, ठीक है। आपने कितना कुछ करा उनके लिए, यू नो, और ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं दिख रहा है ये चीजें कि आपने क्या कुछ नहीं करा उनके लिए। यू नो, आपने कितने एफर्ट्स डाले, कितनी मदद करी, कितनी बार उनके लिए स्टैंड लिया, उनको सपोर्ट करा, उनको प्रोटेक्ट करा, उन्हें सब पता है, सब दिख रहा है आपके पार्टनर को। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं पता है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, हैंगमैन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार आपके सामने एक्सप्रेस कर भी रहे हैं, ठीक है, आपको दिखा भी रहे हैं कि आपके बिना खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, आपको वापस चाहिए अपनी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी मैं देख रही हूँ जहां पर आप इन पर यकीन नहीं कर पा रहे हो। अगर ये अपना प्यार आपको दिखा रहे हैं ना, ठीक है, अपना उदासी आपको दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अगर अपने लव, या फिर अगर ये छोटे मोटे जो एफर्ट्स भी डाल रहे हैं अगर आपके सामने, तो यू आर लिटरली लाइक कि आपको लग रहा है कि ये सब कुछ फेक है, ये पर्सन रियल नहीं है। क्योंकि एक बार ये आपका दिल तोड़ चुके हैं ना, तो आपको इन पर दोबारा भरोसा करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दैट व्हाट आई सी हियर,
ठीक है, जहां पर आप प्रॉब्लम आ रही है आपको इन पर ट्रस्ट करने में, आप में ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रांगली आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, यू आर लिटरली इन दैट एनर्जी जहां पर आप इन पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, गेटिंग मी? और काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं वो अब इस रिलेशनशिप को लेकर, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है जहां पर चीजें सुधरेंगी, एक और नई शुरुआत होगी, उन्हें बस एक मौका चाहिए, लिटरली इस पर्सन को ना एक चांस चाहिए, एक मौका चाहिए कि आपको अप्रोच करें और आपसे बात करें और चीजों को बेहतर बना सके, इन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। अभी तक इस शख्स ने आपको स्टक्ट रखा हुआ है, यानी उम्मीदों पे रखा हुआ है, होप्स पे रखा हुआ है, अभी भी आप एक होप में हो, उम्मीद में जी रहे हो, ठीक है, कि अभी सब कुछ सही होगा, आप इनके ट्रू इमोशंस देखना चाह रहे हो, एंड आप अभी तक एक होप में जी रहे हो बस, ठीक है, क्योंकि अब आप कोई एक्शन तो ले नहीं रहे हो, आप कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, और ये पर्सन की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स और एक चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, दैट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी होंगी, नई शुरुआत भी होगी आपके रिलेशनशिप में, रीयूनियन रिकंसिलेशन की एनर्जी में डेफिनेटली यहाँ पर देख पा रही हूँ। सिक्स ऑफ कप है, टेन ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ कप है, नाइन ऑफ कप इज एन एनर्जी जहां के आपकी जो भी विश है, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो उस रिलेशनशिप में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है, और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, मेरी इस बात को सुन पा रहे हो ना, तो डेफिनेटली ये बाय गॉड ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो रही है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, प्रेयर्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो पूरी होंगी ही होंगी, गॉट इट? चलो, फोर ऑफ कप सिक्स ऑफ कप जैसी एनर्जी है यहाँ पर, इक्वल गिव एंड टेक अप के रिलेशनशिप में नहीं रहा है। आपके पार्टनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो चीजों को बहुत ज्यादा इमेच्योरली उन्होंने हैंडल करा है, एकदम बच्चे की तरह इमेच्योर वे से चीजों को उन्होंने हैंडल करा है, चाइल्डिश वे से कहीं ना कहीं उन्होंने चीजों को हैंडल करा है, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से मैं चीजें देख रही हूँ जहां पर आपने बहुत मेच्योर वे से चीजों को हैंडल करा है, और अगर आप इतने मेच्योर वे से चीजों को शायद हैंडल नहीं करते, तो मे बी इट इज पॉसिबल के चीजें ऐसी नहीं होती, चीजें सुधरती नहीं, ओके? और साथ ही साथ आपका प्यार इनका एक सुकून है, आपका प्यार जो है ना, का प्यार, आपकी केयर, आपका अनकंडीशनल लव, कहीं ना कहीं वो इनका सुकून है, ये आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नजर आ रहे हैं मुझे, बहुत थॉटफुल हैं, हर तरीके से अट्रैक्टेड हैं, मेंटली फिजिकली हर तरीके से ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एक मैग्नेटिक पुल ये पर्सन फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो इनको आपकी तरफ खींचता है, बार बार खींचता है, ठीक है, ये अब अपनी लॉयलिटी आपके सामने प्रूफ करना चाहते हैं, अपनी ऑनेस्टी आपके सामने प्रूफ करना चाहते हैं, वो एनर्जी में यहाँ पर इनके अंदर देख रही हूँ, ये आपको अब खोने से डर रहे हैं, इनके अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है आपको खोने का, आपको आपको आपके दूर जाने की इनसिक्योरिटी इनके अंदर में देख रही हूँ। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, ठीक है, और किसी को हम अपना लाइफ पार्टनर जब बनाना चाहते हैं, तो वी रियली फील के पर्सन के साथ हम कंफर्टेबल कितना है, कितने कंपैटिबल हैं इस पर्सन के साथ, कैसा बॉन्ड है इस पर्सन के साथ, इस पर्सन से हम दिल की हर बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ये पर्सन हमारी बातों को किस तरीके से लेते हैं, समझते हैं, हम ये सब चीजें चेकआउट करते हैं जब हम किस जब और जब हमें लगता है कि हाँ वाकई में ये रिलेशनशिप ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तब हम उस पर्सन के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और यही एनर्जी आपके पार्टनर को आपके लिए फील हो रही है, क्योंकि उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपके साथ वो कितने कंफर्टेबल हैं, कितने कंपैटिबल मैच हो आप दोनों, कितने परफेक्ट मैच हो आप दोनों, और उनको ऐसा लगता है कि उनको इतने अच्छे से और कोई समझ नहीं सकता, उनको इतने अच्छे से कोई और संभाल नहीं सकता जितने अच्छे से आप उन्हें समझ रहे हो या जितने अच्छे से आप उन्हें संभालते हो। मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उनका प्यार, उनके इमोशंस बहुत ट्रू हैं आपके लिए, ओके? चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, नेक्स्ट वी हैव इज सेवन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल,
नाइन ऑफ कप्स, हैंगमैन अगेन, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर दो बार निकल कर आई है. ओके सो दिस इज द वे, क्वीन ऑफ वैंड एंड बॉटम में यहाँ पर चेरॉइट है. ठीक है, ये ना लिटरली आपके लिए तड़प रहे हैं और आपने ना सच में ना अच्छे से तड़पा दिया है अपने लिए. वो एनर्जी मैं यहाँ पर देखती हूँ, आप देख रहे हो ये सच में आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं. ये अब आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, बट इस रिलेशनशिप को अब ये सही करना चाहते हैं. ये नहीं चाहते कि अब आप इनसे दूर जाओ, आप किसी और को अटेंशन दो, आप किसी और के बारे में सोचो भी, ये इन्हें नहीं मंजूर. ठीक है, मैं लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये ना तड़प रहे हैं. इन्हें इस चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आपके बिना अब इनका जी पाना, रह पाना बहुत ही मुश्किल है. वो एनर्जी मैं इनके अंदर देख रही हूँ. बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको. यू नो ये पर्सन एक वक्त पर बहुत ज्यादा स्टबन माइंडसेट के थे. ठीक है, बहुत ज्यादा स्टबन माइंडसेट में यहाँ पर देख रही हूँ इनका. नाइट ऑफ पेंटिकल है, हायरोफेंट है, चेरॉइड है. ठीक है, विल पावर अच्छी है. स्टबन माइंडसेट के कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कंफ्यूजन नजर आ रही है. माई गॉड, ओके, ये पर्सन ना बहुत स्टबन माइंडसेट के रहे, बहुत ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा रहा है आपके पार्टनर में. ये वो पर्सन रहे हैं जो इमोशनल चीजों को बिना बहुत प्रैक्टिकल होकर डील कर रहे थे. ठीक है, जिन रिश्तों को इन्हें इमोशनल होकर डील करना चाहिए, ये उन रिश्तों को भी बहुत प्रैक्टिकल होकर डील कर रहे थे. ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों को तो प्रैक्टिकल करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर इनका ना मैस्कुलिन साइड बहुत ज्यादा एक्टिव है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चाहे आपके पार्टनर गर्ल हैं या बॉय हैं, नो मैटर, बट उनका जो एक मैस्कुलिन साइड है, यानी उनका जो एक प्रैक्टिकल नेचर है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, प्रोटेक्टिंग है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, काफी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपके पार्टनर हो सकते हैं. ठीक है, एंड इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं जिनको कोई भी पसंद करे. ठीक है, जिनके साथ बहुत लोग हैं जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एंड ये भी पॉसिबल है कि इस समय इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं. ठीक है, लेकिन इनका दिल आप में अटक गया है. वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इनका दिल ना आप में अटक गया है और अब ये आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं. आपको आपका हक देना चाहते हैं, आपको आपका प्यार देना चाहते हैं, ये जो प्यार आप डिजर्व करते हो. यस, अब ये आपके हक के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है. इवन जो अभी तक मैं ये देख पा रही थी ना कि इनके अंदर वो स्टेबिलिटी या मैं कहूं कि वो मैच्योरिटी नहीं थी. ठीक है, तो अब इनके अंदर वो मैच्योरिटी बेसिकली आ चुकी है कि अब ये अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं. अब रास्ते में कोई भी आ जाए, इनकी फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, ठीक है, ये अब आपके अगेंस्ट सुनने वाले नहीं है. ठीक है, और इनको कोई और इन्फ्लुएंस अब नहीं कर पाएगा. अभी तक जो स्ट्रांगली एक इन्फ्लुएंस में थे, अब इन्हें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा. चेरॉइड की एनर्जी है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट. यहाँ पर मोस्टली एनर्जी मैं ऐसे देख रही हूँ, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपके फियांसे भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी फिक्स हुई थी लेकिन शादी बीच में टूट गई. ठीक है, सो वो एनर्जी भी मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर देख रही हूँ. और ये एनर्जी भी है, हो सकता है आपके पार्टनर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है. हो सकता है आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं और कहीं ना कहीं वहां पर उनका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है उस थर्ड पार्टी के साथ, अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग अच्छा नहीं है. वहां से उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाया जो प्यार वो चाह रहे थे. ठीक है, और वो प्यार कहीं ना कहीं उनको आप में दिखा है. यू नो जो प्यार उन्हें वहां से नहीं मिल पाया ना, वो प्यार उन्हें आप में दिखा, इसीलिए तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे. और आपके साथ भी हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन जहां पर आप अपने आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ प्यार नहीं मिला. अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मैं ये बता रही हूं, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्यार आपके पार्टनर में दिखा, इसीलिए तो आप दोनों मिले, आप दोनों एक साथ रहे और आप कहीं ना कहीं इनके साथ परमानेंट कनेक्शन चाह रहे थे, लेकिन ये आपको वो चीज भी नहीं दे पाया. उस चीज का बहुत दुख कहीं ना कहीं आपको हुआ है. ये पर्सन अंदर से हिल चुके हैं. यू नो लिटरली मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपसे दूर होकर ना इनके अंदर से कुछ हिला है. बहुत भारीपन ये महसूस करते हैं. रातों को नींद नहीं आती है, नींद आती है तो रात को उठकर बैठ जाते हैं. आपको स्ट्रांगली स्टॉक करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं एंड आपको देख रहे हैं कि आप खुश हो अपनी लाइफ में. ये इस तरीके से आपको देख पा रहे हैं.
सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये देख पा रहे कि आप कितने लॉयल, कितने ऑनेस्ट रहे हो इनके लिए, कितना कुछ आपने इनके लिए करा है, वो हर चीज ये पर्सन देख पा रहे हैं और आपको बहुत चाहते हैं। इनकी जो चाहत है ना आपके लिए वो बढ़ चुकी है, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज डिवाइन बताएं। तो जेलसी, इनको ना ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप इतने खुश दिख रहे हो ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना तो इतने खुश नहीं थे, आप इनके बिना इतने खुश कैसे हो सकते हो। तो जरूर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, कोई और है आपकी लाइफ में, और इस बारे में सोचते हुए ये पर्सन बहुत जेलस है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सवाल खड़े हो गए हैं इनके दिल दिमाग में, ये सब सोचते हुए ओवर थिंकिंग की वजह से इनके दिमाग में बहुत सवाल खड़े हो चुके हैं। आपको अपना फेवरेट पर्सन मान रहे हैं, उन्हें ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपके रूप में ना मतलब बहुत कुछ खो दिया है, ठीक है, आपको नहीं खोया, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके जाने से, आपके दूर होने से, और उन्हें ये चीज महसूस हो रही है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके पार्टनर, डिवाइन कनेक्शन है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में। वो जब आपको देखते हैं ना तो उनके होश ही उड़ जाते हैं, आप पर आके उनकी आंखें रुक जाती हैं, उनका दिल आप पे अटक चुका है। सो डेफिनेटली वो इस चीज को मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आप बहुत स्पेशल पर्सन हो जिसको वो कभी कभी भुला नहीं पाएंगे, एंड उन ये भी वो फील करते हैं कि आपका जो ये कनेक्शन है ना ये डिवाइन ने खुद बनाकर भेजा है, ठीक है। हील हो रहे हैं, हील होने की कोशिश करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं ताकि वो आपको हील कर सके। वो अगर अभी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो साफ साफ इसका मतलब ये है कि वो अपनी स्पेस ले रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं ताकि वो हील हो सके और इस रिलेशनशिप को भी वो हील कर सके। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पॉइल यू, ये आपको हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, यू नो, इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइक कमा रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गोल्स हैं इनकी लाइफ में अगर, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना उन चीजों का क्या मतलब, यू नो, वो अगर इतना पैसा भी कमा लेंगे तो क्या फायदा उस पैसे का जो वो आपके साथ एंजॉय ना कर सके। अगर वो कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन भी गए, अगर कोई एग्जाम है लाइक, तो भी उनको ऐसा महसूस होता है कि यार इन सब चीजों का क्या फायदा अगर आपके साथ, आपका साथ ही नहीं मिल रहा है उन्हें तो, ठीक है, वो आपका साथ चाहते हैं, आपका साथ उन्हें सुकून देता है, उन्हें शांति देता है, और वो शांति में, उस खुशी में, उस सुकून में कहीं ना कहीं फिर से आना चाहते हैं। ओके, एंड ड्रीम्स, आपके सपने देख रहे हैं, बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके दिल में, इनका दिल भरा पड़ा है, ठीक है, इनके इमोशंस हैं जो ये आपके सामने रखना चाहते हैं। सो बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये आपके सामने रखना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो ट्रुथ, ये कुछ सच आपके सामने रखना चाहेंगे। अगर कुछ अभी तक है ना जो हाइडेड है, छुपा हुआ है, वो छुपी हुई राज भी अब आपके सामने आएंगे, ठीक है। अगर कुछ अभी तक भी छुपा हुआ है जो आपको नहीं पता है, तो बहुत जल्दी वो सारे राज आपके सामने खुलेंगे, खुलासा कहीं ना कहीं होगा। एक्स लवर, अगर कोई इनका पास्ट था, ठीक है, कुछ इनका ऐसा पास्ट था जो ये आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है ये कुछ चीज उनके पास्ट से रिलेटेड हो। एंड सेकेंडली मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा पास्ट में ये स्टक्ड है, आपके साथ जो ब्यूटिफुल मेमोरीज, ब्यूटिफुल टाइम इन्होंने स्पेंड करा है, वो उसमें स्टक्ड नजर आ रहे हैं, ये आपके साथ वापस पैचअप करना चाहते हैं। एंड अभी तक अगर ये इनके लिए रिलेशनशिप सिर्फ कैजुअल था, तो अब ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस हो चुके हैं। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है बहुत से लोगों का यहाँ पर, एंड बहुत से लोगों का रीयूनियन, रिकंसिलेशन आई कैन सी के विद इन नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। यू नो डिवाइन की एनर्जी इज विद इन नेक्स्ट 10 डेज कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आने के चांसेस हैं। आपके डिवाइन टाइमिंग अगर आ चुका है तो डेफिनेटली ऐसा होगा। हीलिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप की, हो सकता है आपने कुछ हीलिंग करवा रहे हो किसी से, खुद हीलिंग कर रहे हो, खुद उन्हें लव वाइब्स भेज रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, हीलिंग ब्रेसलेट, हीलिंग स्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स आपने वेयर करे हैं, हो सकता है तो डेफिनेटली वो चीजें वर्क कर रही हैं। हो सकता है आपने हमसे लेकर हीलिंग क्रिस्टल पहना है, तो वो चीजें आपके लिए वर्क कर रही हैं, इट इज अ साइन।
राइट, फैमिली की एनर्जी यहाँ पर है, जेनरेशंस एंड फैमिली, ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ आगे जेनरेशन बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, फ्यूचर होप करते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं जो, लेकिन एक डर, ये जो डर है इनको, इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है, डर के अगर ये तो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, ये तो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, लेकिन डर इन्हें इस चीज का है कि क्या आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आ जाए, ये उस चीज को लेकर श्योर नहीं है, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है इस चीज को लेकर आपके पार्टनर। चले कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्यों आप इग्नोर कर रहे हो उन्हें, क्यों आप दूर जा रहे हो बार बार उनसे, ठीक है, क्यों आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो। वो रोते नहीं है, जनरली बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, बट वो आपके लिए रो रहे हैं, वो आपको कभी भुला नहीं सकते हैं, यू आर वेरी स्पेशल, आपको कभी नहीं भुला सकते हैं ये पर्सन, इन्हें नहीं पता था कि इनके दिल में इतना डीप लव, इतना प्यार आपके लिए है, ठीक है, जो उन्हें अब समझ में आया आपकी वैल्यू, आपकी कद्र आ चुकी है शख्स को, ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, चाहे आपको बोले चाहे नहीं बोले, चाहे आपको दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं, पर ये प्यार आपसे करते हैं और आपका हमेशा इंतजार करेंगे, ठीक है, हमेशा हमेशा इंतजार करेंगे आपका। ये भी हर्ट हुए हैं, सो सिर्फ ये मत समझो कि आप ही को हर्ट हुआ है, आप ही पेन में हो, नहीं, ये भी हर्ट हुए हैं, ये भी पेन में है, आपके लिए बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स होंगी अगर इनके पास तो उन्हें किस करते होंगे, उन पिक्चर्स को ये देखते होंगे, आपको मिस करते होंगे, और कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी भी होगी, ठीक है, सो बहुत रोमांटिक फीलिंग कहीं ना कहीं ये फील करते हैं आपके लिए। ओके, सो या गाइज, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, और कमेंट जरूर करें, आई क्लेम पॉजिटिविटी, आई क्लेम रीयूनियन, रिकंसिलेशन, जो आप यूनिवर्स से कहना चाहते हो उसे कमेंट में जरूर लिखो, ताकि यो यूनिवर्स तक उनकी वाइब्रेशंस पहुंच सके, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, डू टेक केयर।